का। शुक्रिया आपका प्रीति। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर हम देख रहे हैं 2014 में बीजेपी की परफॉर्मेंस हर पैमाने पर बहुत अच्छी थी। अब सवाल यही तो है कि 2019 में क्या 2014 वाली मोदी लहर है भी या नहीं। 23 तारीख को तस्वीर साफ होगी, लेकिन आज चौथे चरण का मतदान जारी है। उधर राजस्थान के बाड़मेर से कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह ने जीत का दावा किया है। इस सीट से मानवेंद्र सिंह का मुकाबला बीजेपी के कैलाश चौधरी से है। मानवेंद्र सिंह जी, कड़ा मुकाबला है इस बार। हम देख रहे हैं सुबह से जबरदस्त बम्पर वोटिंग हो रही है। बाड़मेर में सबसे ज़्यादा वोटिंग है राजस्थान में। अच्छा है, अच्छी पोलिंग हो तो पूरे क्षेत्र में अच्छी पोलिंग हो रही है और शांति से हो रही है, लगभग शांति से हो रही है, वो अच्छे संकेत हैं। क्या उम्मीद है, क्योंकि इस बार तो दो ही लोगों के बीच में फाइट नज़र आ रही है, कोई ट्रायंगुलर फाइट या इस तरीके का सिनेरियो तो है नहीं, क्या उम्मीद है? अच्छे संकेत, अच्छे हैं, लोगों का रुझान अच्छा है और उम्मीद भी है, ईश्वर की कृपा से उम्मीद भी है। आपको लगता है कि जो होम टर्फ है आपका, या एक एक कहते हैं कि एक तरीके से पारिवारिक सीट है, जो हिस्ट्री से आप लड़ते रहे हैं यहाँ से, वो सीट पर अपना दबदबा दोबारा से कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि इस बार तो सरकार भी आप लोगों की है? लाभ, चुनाव में लाभ अनेक मुद्दों से मिलते हैं, स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, सरकार का भी विषय होता है और जो पूर्व में जो संपर्क है, संबंध है, उसका भी लाभ मिलता है। अलग अलग विषय होते हैं जो साथ जुड़कर एक कोलिशन टाइप बन जाता है चुनाव के समय। सब लोग इंतजार कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ सुबह से आपके बूथ पर भी ये चर्चा हो रही थी कि मानवेंद्र जी आए नहीं, क्या कोई मुहूर्त इस तरीके का निकला था कि लेट नहीं, आएंगे नहीं, या कोई और बात थी? ऐसा कुछ नहीं, पोलिंग के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। मेरी मदर और बेटी जैसलमेर से आ रहे थे, तो काफ़ी दूरी है, जैसे वो पहुँचे, जब तक वो पहुँचे तो सब परिवार आया वोट देने के लिए, तो जब तक वो पहुँचे नहीं तो इसलिए हम वेट कर रहे थे उनके लिए। हम जब कौन कौन आपके साथ आया आपके परिवार में वोट डालने? अभी मेरी माता जी आई हैं, पत्नी, बच्चे, दोनों बच्चे। तो पूरे परिवार के साथ आप एक उत्सव की तरह एक तरीके से ये कहें कि पूरा परिवार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई और पिताजी आ नहीं सकते जी। भाई पिताजी के साथ है, वो आ नहीं सकते, तो लगभग पूरा। तो आप जिस तरीके से बाकी वोटर्स भी हैं यहाँ पर, आप लाइन में लग के हर बार इसी तरीके से वोट देते हैं, या ये सादगी है क्योंकि कैमरे हैं यहाँ पर, या नहीं, कोई? नहीं, मैं हर बार तो मैं जल्दी देता हूँ। हाँ, हम रात को यहीं रहते, ढाणी में रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि मदर लेट आई है जैसलमेर से, इसलिए लाइन लंबी नहीं, तो हमेशा हम जल्दी दे देते हैं, सवेरे सवेरे दे देते हैं, उस समय लाइन नहीं होती। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर आपको लगता है कि ये चुनाव हो रहा है इस बार राजस्थान में? पेयजल की व्यवस्था हमारे लिए, तो जैसलमेर बाढ़ में तो पेयजल की व्यवस्था सुधारनी है, मेन मुद्दा वही है। और किस तरीके का परफॉर्मेंस आपको अपनी पार्टी का लगता है राजस्थान में, अगर देखें तो हाल ही में विधानसभा चुनाव जीते हैं आप लोग, उसके बाद क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएगी आपकी पार्टी? उम्मीद है, लेकिन मैं तो बाढ़ में से बाहर गया नहीं, तो मैं कह नहीं सकता। जो मेरे संपर्क वाले हैं, जो पुराना लोकसभा क्षेत्र रहा है, उससे मैं कह सकता हूँ कि संकेत अच्छे हैं, अच्छी अच्छी सीट।